की सियासत में नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कल जिस शिवसेना विधायक नितिन देशमुख की सूरत में तबीयत खराब हुई थी, आज उन्होंने कहा कि मुझे अगवा किया गया था, मुझे कैद करके रखा गया था। बकौल देशमुख, मैंने सूरत में हार्ट अटैक का नाटक भी किया था, मेरे साथ वहां 200 पुलिस वाले थे। मैं पक्का शिव सैनिक हूँ, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। ऐसा बयान भी इस दौरान नितिन देशमुख ने दिया है। मैं शिव सैनिक बाला साहेब ठाकरे ने उद्धव साहेब का शिव सैनिक है। मैं मेरे घर को जा रहा हूँ, मैं घर को जा रहा हूँ। अभी उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है।